Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new video. सो so, दोस्तों आज का डेट है ट्वेंटी एथ ऑफ सेप्टेबर वेडनसडे एंड करेंटली टाइम इज नाइन डॉट थर्टी सेवन एम सो आज के दिन एक बाइंग पोजिशन को इंडेक्स में हमने गैप डाउन के बाद यहाँ पर प्लान किया है सो so, आज के दिन सम वॉट अराउंडीन थाउजेंड एट हंड्रेड के कॉल ऑप्शन में वन थर्टी एट के एवरेज प्राइस पर फोर थाउजेंड क्वांटिटीज को यहां पर हमने बाय किया है सो so, क्विकली यहां पर एंट्रीज लाइन को मार्क करेंगे सो करेंट पी एन एल रनिंग अबव सम वॉट अराउंड वन रेशियो वन एंड ऑप्शन चार्ट पर यहाँ पर एंट्री लाइंस को मार्क करेंगे सो so, आज का जो ट्रेड है वो एक हायर रिस्क के अकॉर्डिंग लिया गया है सो द एस एल अमाउंट फॉर दिस ट्रेड इज फिफ्टी थाउजेंड सो इसके पहले एक ट्रेड देखेंगे तो नाइनटीन प्लस ट्वेंटी वन इट मीन्स फोर्टी थाउजेंड का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है ऑन टू द सेलिंग साइड सो अराउंड फिफ्टी थाउजेंड का मैक्स रिस्क है इन अ सिंगल ट्रेड विच इज एग्जीक्यूटेड टूडे सो एंट्री ऑर्डर्स एंड लाइन्स थाउजेंड क्वान्टिटीज एट एन एवरेज प्राइस ऑफ वन थर्टी एट सो वन थर्टी एट के एंट्री प्राइस को मार्क करेंगे सो वन थर्टी एट पॉइंट फाइव सिक्स सो इस पॉइंट पर आज के दिन हमारा यहाँ पर एंट्री हुआ है एंड स्टॉप लॉस अगर मार्किंग देखेंगे तो समल्व पॉइंट के रिस्क के साथ आज का ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है सो so, पॉइंट के साथ आज का ट्रेड यहां पर लिया गया है जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन है जैसे कि ये हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड है सो वन रेशियो फोर के टारगेट्स मिनिमम यहां पर आज के दिन एक्सपेक्ट किया जाएगा सो फिफ्टी थाउजेंड का जैसे कि हमारा रिस्क है इन अ सिंगल ट्रेड सो टू लैक्स के टारगेट को आज के दिन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे चलिए सो करेंटली मार्केट ऑलरेडी यहाँ वन रेशियो टू के प्रॉफिट्स में करेंटली परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर बुक को देखेंगे तो प्रीवियस ट्रेड अगर समझने की कोशिश करेंगे सो दिस इज आवर ट्रेड बुक सो यहाँ पर अगर देखेंगे सो so, सबसे पहले मॉर्निंग में सेम 36 सिक्स टू थर्टी सेवन हंड्रेड क्वांटिटीज को यहाँ पर शॉर्ट किया गया था कि पुट साइड का यहाँ पर हमने ऑप्शन लिया था 18 प्लस एटीन थर्टी सिक्स हंड्रेड क्वांटिटीज में सो सेम फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड के रिस्क में इसे यहाँ पर एग्जिट किया गया है सो so, अगर एनालिसिस एंड लॉजिक को देखेंगे कि किस बेसिस पर हमारा वो पर्टिकुलर ट्रेड यहाँ पर फॉल्स हुआ है सो दिस इज द इंडेक्स इंडेक्स चार्ट एंड को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ट्रेड जैसे कि प्लान किया गया सो ऑन टू द इंडेक्स चार्ट गैप डाउन के साथ मार्केट लोअर लेवल्स पर यहाँ पर प्रोसीड किया सो द चान्सिस वर कि मार्केट अगर मेजर फ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज दर्टी मिनट टाइम फ्रेम एंड मेजर फ्रेम का जैसे कल के दिन भी बताया गया कि अगर मार्केट अपने मेजर जो यहाँ पर रेंज मार्किंग किया गया ये वाला इस रेंज को ही प्रीवियस दिन पर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था सो so, इस ब्रेक के बाद यहाँ कहीं मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया एंड आवर व्यू वाज बियरिश इनटू द मार्केट सो इसी बेसिस पर एक शॉर्टिंग साइड का पोजिशन मॉर्निंग में कि गैप डाउन के साथ ही पैनिक सेलिंग में सेल ऑफ हो सकता है इस बेसिस पर सेलिंग पोजिशन को बनाया गया है नेक्स्ट आज के दिन बाय किया गया है बेस्ड ऑन द गैप फिलिंग की मार्केट रिकवरी के साथ हाई लेवल पर टेस्ट हुआ एंड टेस्टिंग के साथ वॉल्यूम बिहेवियर पर भी ऑप्शन बिहेवियर पर भी मार्केट ने स्ट्रेंथ यहां पर शोकास्ट किया है तो इस बेसिस पर कि अगर आज के दिन ये गैप फिलिंग जैसे कि देखेंगे कि ओपनिंग के साथ मार्केट सपोर्ट लिया अगेन हाई टेस्टेड एंड अगेन सपोर्ट लेते हुए बाइंग साइड पर यहां से प्रोसीड हो रहा है सो so, जो एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम मार्केट अपने प्रीवियस डे के अगर रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है या गैप फिलिंग होता है तो ईजिली आज के दिन हमारा टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो जाएगा सो करेंट पी देखेंगे तो अराउंड एटी ये ट्रेड हो रहा है ऑप्शन चार्ट को भी ओपन करेंगे सो दिस इज आवर ऑप्शन चार्ट सो so, एक स्मॉल रिस्क के साथ स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ जैसे कि अगर आप एंट्री कैंडल को यहां पर मैं मार्क करूं सो दिस इज आवर एंट्री कैंडल टाइमिंग देखेंगे तो द टाइमिंग इज अराउंड ऑफ द बाइंग 933 से 35 तक हमने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है 933 पर दो ऑर्डर पंच किया गया 181800 एंड 400 को फिर अगेन एक कंफर्मेशन पर हमने वहां पर एग्जीक्यूट किया है सो एंट्री प्राइस का लॉजिक देखेंगे वन नाइन थर्टी थ्री तो ये वाला पर्टिकुलर फाइव मिनट्स का कैंडल है कि जब मार्केट सपोर्ट जैसे ही लिया है यहाँ पर और अगेन जैसे कि हाई टेस्ट हो रहा था तो कंटिन्यूएशन पर बाइंग पोजिशन को बनाया गया है कि आज के दिन गैप फिलिंग यहाँ से होने वाला है तो एग्जैक्ट राइट टाइम का हमने यहाँ पर एंट्री आज के दिन क्रिएट किया है विद दी सेफेस्ट एसल सो टारगेट एक्सपेक्टेशन यहां पर आज के दिन टू लैक्स जैसे कि पहला स्टॉप लॉस काउंट करेंगे तो अराउंड फोर्टी थाउजेंड का यहां पर स्टॉप लॉस गया है तो फिफ्टी थाउजेंड पर ट्रेड का मैक्स वहां पर रिस्क के साथ आज का एग्जीक्यूशन किया गया है सो टारगेट एक्सपेक्टेशन विल बी वन रेशियो अराउंड टू लैख रुपीज चलिए सो वेट करेंगे करेंटली रनिंग अराउंड वन डॉट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड चलिए सो दिस शुड बी अ जनरल पुल बैक एंड जनरल पुल बैक मार्केट जनरल रेजिस्टेंस फेसिंग ईजली अगले यहाँ बाइंग साइड मोमेंटम में आवर टारगेट शुड अचीव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड रिस्क मैनेजमेंट हमेशा डिसिप्लिन इंटैक्ट है अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट प्राइसेस रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से रिजेक्ट होती हैं तो हम अपने ऑर्डर्स को यहाँ पर एग्जिट करेंगे अगर प्रॉफिट अमाउंट जो कि रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो जैसे कि वन रेशियो फोर का एक्सपेक्टेशन है टू लैख रुपीज तो अगर प्रॉफिट अराउंड से वन लैख सेवेंटी थाउजेंड तक जाता है सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड जाता है और फिर रिवर्स होता है तो लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड में बुक नहीं किया जाएगा चलिए सो वेट करेंगे दिस एक्सपेक्टेशन इज दिस इज अ जनरल रिट्रेसमेंट जनरल साइडवेज मार्केट थोड़ा सा पुल बैक या रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है बट अगेन एक बाइंग साइड का आफ्टर रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट मार्केट यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए चलिए सो वेट करेंगे एंड मार्केट जैसा भी करता है आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल ओके सो करेंटली टाइम इज नाइन डॉट फोर्टी सेवन एम एंड जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट्स यहाँ पर आज के दिन दिस शुड बी अ जनरल पुल बैक एंड पुल बैक के बाद अगेन बाइंग साइड का ब्रेकआउट यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पर क्रिएट किया है एंड द करेंट ट्रेड इज ट्रेडिंग सम वॉट अराउंड वन रेशियो थ्री सो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के प्रॉफिट्स में करेंट ट्रेड हमारा करेंटली चल रहा है सो द एक्सपेक्टेशन इज ऑफ टू लैक्स जैसे ही टू लैक्स मार्केट्स में अचीव होगा हमारा टारगेट प्राइजिंग है वन एटी एट पॉइंट फाइव तो जैसे ही इस प्राइसिंग हमारा ऑर्डर्स बुक में आएगा तो हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे सो द एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आज के दिन गैप फिलिंग यहां पर मार्केट कर रहा है चलिए सो ऑप्शन चार्ट देखेंगे। दिस इज आवर ऑप्शन चार्ट एंड एग्जिट के लिए वॉट वी वॉन्ट इज की वन का टारगेट है सो so यहां पर 188 में हमारे लिए सफिशियंट क्वांटिटीज मार्केट प्राइस पर एग्जिट करने के लिए होना चाहिए सो टू लैक्स के ऊपर से टू लैख टेन थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट्स होगा तब ट्रेड को मार्केट प्राइस पर हम एग्जिट करेंगे ओके सो ऑर्डर बुक में ऑर्डर यहाँ पर हमारा आ गया है तो पहले एटीन हंड्रेड एग्जिट किया गया एंड मोर एटीन हंड्रेड मैंने दूसरे डिवाइस से एग्जिट किया एंड मोर फोर हंड्रेड को यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे सो कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रेडर्स आज का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही रहा एंड मार्केट अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस की कंटिन्यूस सेल ऑफ के बाद गैप डाउन अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मार्केट का मोमेंटम रहा है कि कंटिन्यूस यहाँ पर लोअर हाई के बाद कोई भी मेजर साइड का रिट्रेसमेंट नहीं आया है सो मेजर साइड का रिट्रेसमेंट आज के दिन यहाँ पर मार्केट मेजर तो नहीं कहना चाहिए बट जो एक्सपेक्टेशन है इसकी कंटिन्यूस सेलिंग मोमेंटम या सेलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड में गैप डाउन के बाद जो पहला सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया है गैप डाउन थ्योरी में भी ये बताया गया है कि पहला जो सपोर्ट क्रिएट होगा वहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ बाइंग साइड पर होता है या उस वो सेलिंग ट्रेंड का वहां पर स्विंग लो की तरह क्रिएशन होता है अगर सेलिंग ट्रेंड में किया कि बनने का जैसे ही दो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ वहां पर आ गया एंड मार्केट वॉज टेस्टिंग पुल बैक पर फिर अगेन यहां पर बाइंग साइड का पोजीशन बनाया गया है तो ऑर्डर्स बुक भी देखेंगे तो हमारा आज का ट्रेड एग्जिट हुआ है ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ जैसे कि टारगेट था 188 का तो कुछ क्वांटिटी 190 पे एग्जिट किया है 191 एंड सो टोटल टू लैक टेन थाउजेंड अब रेशियो फोर हमने इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में बुक किया है एंड बाकी जो एक सिंगल ट्रेड है तो यहाँ पर दो ऑर्डर्स क्यों दिख रहा है क्योंकि एक एम में एग्जीक्यूट हो गया एक एनआरएमएल में हो गया बाकी दिस इज अ सिंगल ट्रेड

डेट आपको मिलता रहे सो दिस वॉज दीडियो फॉर टुडे सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी आ